और मैं भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो आज की जो क्लास हमारी पिवट टेबल की, अब पहले जानिए पिवट टेबल का यूज क्या है। देखिए पिवट का यूज डेटा पे होता है, डेटा से पहले नहीं, डेटा के बाद का यूज है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है और कंपनी के पूरे साल में किस मशीन ने कितना कितना प्रोडक्शन किया है, इसका रिकॉर्ड निकालना है ताकि आप एवरेज प्रोडक्शन निकाल, क्योंकि एवरेज जो निकलता है एक लॉन्ग पीरियड में निकलता है, शॉर्ट पीरियड में एवरेज सही नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए कि दिवाली के समय कोई अगर निकाल ले कि भाई दिवाली के समय रंग का ये पेंट का कंपनी अपना एवरेज सेल निकालेगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दिवाली के समय उसका मार्केट होता है तो उसकी सेल ज्यादा होती है, बाकी दिन कम होता है। तो इसलिए एवरेज हम लोग निकालते हैं लॉन्ग टाइम पे, तो साल या दो साल या दस साल ऐसे निकलता है। तो अगर अपना मान लीजिए एक मशीन का एवरेज प्रोडक्शन ईयरली निकालना है कि साल में एक दिन में एवरेज कितना प्रोडक्शन आपको देता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा साल का डेटा लेना पड़ेगा और फिर पूरे साल के डेटा लेने के बाद मशीन वाइज आप अपना निकालेंगे, फिर उसको आप डिवाइड कर देंगे 365 से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में हमारी मशीन एवरेज इतनी प्रोडक्ट सेल मैन्युफैक्चरर करती है। जैसे एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, तो पिवट टेबल का काम होता है स्टैटिक्स को निकालने के, समझे जी, स्टैटिक्स को निकालने के लिए, और ये डेटा पे काम करता है। अब जैसे आपके सामने एक सेल्स का डेटा है कि किस कस्टमर को, कस्टमर किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, किस रीजन में है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी, उसको कितना एस्टिमेटेड दिया गया है, एक्चुअल कितना हुआ, प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी है और क्वांटिटी कितना है, और किस क्वार्टर में, और यहाँ पे ईयर था मैंने चेंज कर दिया हुआ है, ईयर किस ईयर में कितना सेल हुआ है। तो आप पिवट टेबल अगर यूज करते हैं तो पहले आपको डेटा पता होना चाहिए कि आपके पास डेटा क्या है। अगर डेटा नहीं समझ में आया तो पिवट पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है। तो आपके सामने मैंने जो रखा है ये मेरा डेटा है। ओके ओके। अब मुझे इसमें क्या करना है कि मुझे इसमें पता करना है मुझे कि कौन सा इंडस्ट्री, मतलब रीजन मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि किस रीजन में हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हुई, हमें जस्ट इसका टोटल चाहिए ताकि मैं निकाल सकूं कि मेरा सबसे ज्यादा सेल किस रीजन में हो रहा है, ताकि मैं उस रीजन के लिए अपना स्टॉक जो है मेंटेन रखूं। ठीक बात। तो मैं पहले आप डेटा को देख लीजिए, डेटा के पहले सेल पे क्लिक करके पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। ये आपके एक नया सीट पे पिवट टेबल का विंडो खुलाएगा, ये आपका जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पिवट टेबल एरिया। अच्छा। और यहाँ आपके फील्ड है जो आपके डेटा में थे, तो मुझे चाहिए रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी। रीजन को, रीजन पे क्लिक किया और उसको क्लिक करते हुए नीचे लेके आया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। देखिए डेटा में मेरा रीजन कई बार रिपीटेड है, जैसे आप यूरोप की बात करें, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मेनी टाइम रिपीटेड है, बट पिवट टेबल में सिंगल टाइम आएगा। हमने रो में रखा है, इसे रो वाइज आएगा, अगर मैंने उस कार्ड उठा के कॉलम में रख दिया तो कॉलम बाई जाएगा, लेकिन जनरल रूम में ही रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्वांटिटी को उठाएं और यहाँ वैल्यू पे छोड़ दिए। अब वैल्यू पे क्यों छोड़े, हमने रो में इसलिए रखा था कि रो बाई जाए, पर वैल्यू में क्यों छोड़े, वैल्यू में जिसपे हमें कैलकुलेशन करना है, सम मिनिमम मैक्सिमम वगैरह, तो डिफॉल्ट इसने यहाँ पे सम ले लिया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी आपके डेटा में नंबर है, अगर टेक्स्ट होता तो यहां पे काउंट लेता। अब मैं यहां पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा और यहां पे हम अपना चेंज कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट सम लिया बट आपको एवरेज चाहिए, या आपको हाईएस्ट सेल चाहिए, या आपको लोएस्ट सेल चाहिए, तो आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहां पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे।
कि मुझे सम चाहिए या क्या चाहिए. ओके ओके. अब मेरी है इन्फॉर्मेशन, तो पिवट टेबल का काम होता है इन्फॉर्मेशन देने का. तो हमने इससे इन्फॉर्मेशन ये निकाल ली कि मेरा नॉर्थ अमेरिका में सबसे हाईएस्ट सेल है. राइट सर? राइट. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि अमाउंट अभी 1000 में है, तो आप आंखों से देख के पता लगा रहे हैं कि हाँ तो सबसे ज्यादा यहाँ. लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में या बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि इसकी डेटा जो होता है करोड़ों में होता है और करोड़ों अरबों में होता है. वहां पे सिर्फ देख के ये अंदाजा लगाना कि हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, मिड कौन सा है, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है. समझ में आया सर मैं क्या बोल? एक एग्जांपल देता हूं कि अब यहां पे 25 है और यहां पे 65 है, तो इसके लिए आपको थोड़ा भी सोचने की जरूरत है? आप बता देंगे ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है जी. लेकिन ये डेटा मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया. और यहाँ पे भी हम अब आपको अब आप बता पाएंगे इसमें दोनों में बड़ा कौन है? हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना बगल में, इसको माइनस करना पड़ेगा इससे. क्या एक है तो चलो ठीक है, ऐसी जगह पे 10 20 50 60 होगा तो दिक्कत है, मुश्किल हो जाएगा. तो इसके लिए हम विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करें, मतलब कि चार्ट्स का इस्तेमाल करें. तो चार्ट यहाँ पिवट टेबल में, यहाँ देखिए जब पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक एडिशनल मेनू मिल जाएगा, पिवट टेबल एनालिसिस एंड एक डिजाइन, दो चीज आपको नया खुल के आएगा. ये कैसे आया ये वाला ऊपर वाला? ये अपने आप जैसे पीवर्ड पे क्लिक करेंगे ना ये अपने आप, अगर हटा दीजिए तो हट जाएगा. हट गया सर, अब नहीं है यहाँ पे. अच्छा तो ये पीवर्ड टेबल पे सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है हमने? हाँ सर, अपने आप नहीं समझ पाए. समझ गया, सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे. पहले आप अपने डेटा को चेक कर लेंगे, डेटा चेक करने के बाद वो इंसर्ट में जाके सबसे पहले पिवट टेबल कनेक्ट करना है. अच्छा सबसे पहले पिवट टेबल को कनेक्ट करना है. यहाँ पिवट टेबल क्लिक कीजिए और कनेक्ट यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये आपका पिवट टेबल कनेक्ट हो गया. हाँ ठीक है. उसके बाद आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है. ठीक बात. तो मैंने अपनी रिपोर्ट बनाया कैसे? तो हमने रिपोर्ट हमने यहाँ रीजन को उठाया और यहाँ पे रख दिया और कस्टमर्स पे क्वांटिटी को उठाया और वैल्यू में हो गया. अब ये क्या बन गया? मेरा ये बन गया. समझे सर? समझे. अब मुझे इस पे अब इसको विजुलाइज करना है, मतलब कुछ ऐसा जो इजिली हम समझ पाए कि कौन सा ज्यादा कंपेयर कर पाए. उसके लिए जैसे आप किसी भी पिवट टेबल एरिया, ये पिवट टेबल एरिया कहलाता है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल लिस्ट आ जाएगा और ऊपर आपका पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन आ जाएगा. बाहर क्लिक करूंगा तो नहीं आएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो आ जाएगा. ठीक बात. ठीक है. ठीक है. तो अब इसमें देखिए पिवट चार्ट आपको दिखेगा. वह चार्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ चार्ट का सैंपल सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए. अब ये चार्ट आ गया. अब इस चार्ट में आप इजीली समझ पा रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा है. अब ये डेटा करोड़ों में हो, अरबों में हो, खरबों में हो, उससे कोई मतलब नहीं है. क्या जी? ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. ये आ गया. अब हमने यहाँ पे इसको जब चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन आएगा. अच्छा. चार्ट से बाहर क्लिक करेंगे कुछ नहीं दिखेगा, जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिजाइन है. अब यहाँ चार्ट की डिजाइन है कि जो डिफॉल्ट चार्ट आपको दिया है, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से चार्ट उठा सकते. ठीक है. ठीक है. तो मैंने अपना चार्ट उठा लिया. उसी तरीके से जो डेटा हमारा है, अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, इसे रोल लेवल आ गया, मैं चाहता हूँ इसमें रीजन लिखा हुआ है, कुछ ऐसा हेडिंग लिखा है, तो
तो यहाँ पे आप अपना हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, समझ गए जी। क्वांटिटी में मैं यहाँ पे टोटल सेल कर देता हूँ, इस तरह की चेंजिंग हम कर सकते हैं। और यहाँ भी जो है यहाँ भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कहाँ नहीं कर सकते, जो कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन है जो यहाँ वैल्यू में रखा हुआ फील्ड है, नंबर्स हैं टोटल, जो टोटल आपको आ रहे हैं उस पे किसी तरह का चेंजिंग आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात रहे तो जैसे नॉर्मल डेटा फॉर्मेट करते हैं वैसे इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट डिजाइन में जाए, क्योंकि चार्ट पे क्लिक करने पे भी चार्ट के डिजाइन आते हैं ना सर, वैसे पिवट टेबल पे क्लिक करने पे पिवट टेबल के भी डिजाइन आते हैं। यह आपके डिजाइन है, उन डिजाइन को रख लीजिए, समझ गए जी। तो आपको पिवट टेबल लगाना आ गया? हाँ जी आ गया। पिवट टेबल क्यों लगाएंगे ये भी पता चल गया? हाँ लगा, वो एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि मुझे पिवट टेबल का दो, एक इन्फॉर्मेशन था, हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं चाहता हूं कि किस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट का कितना सेल, किस रीजन में कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल, समझे जी। तो उसके लिए हम अब यहाँ पे एक चीज और जानी है कि पिवट टेबल में एक आपके पास रिकमेंडेड पिवट टेबल भी होता है। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है, वो आपको डेटा को समझता है और समझने के बाद वो अपने हिसाब से आपको 8-10 पिवट टेबल दे देता है। दे दिया? अपने हिसाब से वो 8-10 पिवट टेबल आपको दे देता है। ओके अब इसमें से आपको लगा कि हाँ इसमें का पिवट मेरे काम का है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें का पिवट मेरे काम का है, तो आप इसे क्लिक कर ले। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए, कि आपके यहाँ पे आ गया ये क्या बोलते हैं इंडस्ट्री आ गई, और यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी आ गया और काउंट ऑफ आईडी आ गया, कितने कितने क्वांटिटी और कितना ऑर्डर, ओके कर दीजिए, आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस तरह की चीजें बना भी सकते हैं, तो जैसे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले रिपोर्ट बनाया कि किस रीजन वाइज क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी लिया, मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए, 5166 क्वांटिटी सेल हुई एवरेज, किस एवरेज एमआरपी से, क्योंकि हर क्वांटिटी का हर प्रोडक्ट का अलग अलग एमआरपी है, पर मैं एवरेज जानना चाहता हूं, तो मैं एमआरपी को रखूंगा वैल्यू में, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो वैल्यू में रखेंगे हम। उसके बाद यहां साइड में हम क्लिक करेंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले जाएंगे और यहां पे हम एवरेज को क्लिक कर देंगे, ओके एंड ओके कीजिए, यहाँ पे आपका एवरेज आ गया। अच्छा, और भी फील्ड ऐड करनी है तो और भी फील्ड आप ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से आगे जैसे जैसे आप यहाँ पे इसमें डालते जाएंगे ऐसे ऐसे आगे चलता जाए, ठीक बात। अब मान लीजिए कि मुझे दो लेवल करके चाहिए, मैं चाहता हूं कि किस रीजन के किस क्वार्टर में कितना सेल हुआ है, या फिर हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने किस रीजन में कितना सेल किया, तो मुझे एवरेज में हटा देता हूं और फिर मैं सेल्स वाले को यहां रख देता हूं। तो यहां आप देखिए इस तरह से डेटा बन गया। अब यहां बोलेंगे सर आपने एमआरपी क्यों हटाया, हमें जो भी एमआरपी हटाना, मैं एमआरपी को रख भी सकता हूं, तो रखने में आपको इस तरह से आएगा कि ये आपका सेल्स पर्सन सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ एमआरपी, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा एंटर मार, यहाँ पे क्या ये क्वांटिटी नाम का ऑलरेडी फील्ड है तो आप क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे जस्ट एक स्पेस दे दिया
देखिए क्वांटिटी हो गया, अब एमआरपी में भी सेम ऐसे करेंगे। जब मैं एमआरपी डालूंगा तो ए एमआरपी एमआरपी ऑलरेडी है तो मैं एक स्पेस दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे कस्टमर, ये हमारे सेल्स सेल्स पर्सन हो गए, और ए उनकी क्वांटिटी और एमआरपी हो गई, और ये आपके इसमें। तो दो तरीके से हमें जानकारी मिल पा रही है ना सर, क्या लेकिन समझ आपकी बात, क्या बोल रहे हैं चंद्र जी, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी आ रहा है। अब इसमें अगर, अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, इस तरह की चीजें होने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। और दूसरी चीज, अभी तो चलो हमारे सेल्स पर्सन तीन चार थे तो हमने ऐसा कर लिया, अगर 30-40 होते, 300-400 होते, 2000 होते तो काफी दिक्कत होगा, इधर नेविगेट करने में दिक्कत होता ना सर। हाँ जी, ये चीज याद रखिएगा कि कॉलम वाले फील्ड में कोई फील्ड को अगर ड्रॉप करते हैं तो पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि इसके अंदर लिमिटेड हेडिंग हो, मतलब कि आइटम हो। ज्यादा अगर है तो उसको आप रीजन के नीचे रख दीजिए इस तरह से। अब ये अच्छा दिख रहा है ना सर, अब ये देखिए ये रिपोर्ट दिख रहा था इस तरह से, और इसी हमने अगर नीचे रख दिया तो रिपोर्ट इस तरह से दिख रहा है, तो बेटर आपका ये रिपोर्ट है ना। देखिए और बेटर होता जब हमारा सेल्स पर्सन और जब हमारा जो रीजन है वो अलग अलग कॉलम में होते, ये एक ही कॉलम में। तो अलग अलग कॉलम करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे चला जाना है। यहीं पे आपको दिखेगा डिस्प्ले, इसमें क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट आप क्लिक कीजिए, आपको यह दिख गया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये अलग अलग कॉलम में चला जाए। अब यहाँ इसके नीचे टोटल आ गया, अभी चलो क्या है कि एक है तो दिक्कत आ रही है, टोटल है। मैं काम करता हूं इसमें सेल्स पर्सन को हटा के मैं यहाँ पे इंडस्ट्री रख देता हूँ नीचे, अब ज्यादा है ना सर। यहाँ पे इजिली पता चल रहा है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक माइनस का निशान दिख रहा होगा ना सर, क्लिक करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो गया। एक साथ कोलैप्स करना है तो यहाँ एनालाइज में ऊपर माइनस का निशान होता है, इससे कोलैप्स कर सकते। तभी मेरा रिपोर्ट रीजन वाइज दिख रहा है, लेकिन मुझे पता करना है कि किस रीजन के कौन सा इंडस्ट्री है। तो मैं इस प्लस वाले निशान पे क्लिक करूंगा तो पूरा मुझे इंडस्ट्री का पूरा चीज पता चल जाएगा। ठीक बात, ठीक है, ठीक है इस तरह से। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो आप इसको यहां पे इस तरह से कर दीजिए, यहां पे इस पे प्लस वाले पे क्लिक कीजिए, सब चला जाएगा। और मुझे हटाना है, टोटल हटाना है तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक, और यहाँ आपको दिखेगा सब टोटल रीजन, इस पे टिक का निशान है, इसको चेक कर। हट गया सर, हट गया। अब यहाँ पे एक चीज और है कि मैं चाहता हूँ इसको रिपीट करना कि नीचे तक रिपीट हो जाए, क्योंकि अभी तो पिवट में ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पिवट को ही नहीं भेजते हैं, हम पिवट को कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर कुछ और कैलकुलेशन करके फिर पेस्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन करते समय दिक्कत हुआ कि ये ब्लैंक होगा तो थोड़ा सी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये एशिया का ही है या किसी और का है। तो यहां हम डिजाइन में आते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा तब डिजाइन दिखेगा आपको, ठीक है सर, ठीक है। रिपोर्ट लेआउट में ये आपका दिखेगा रिपोर्ट ऑल आइटम लेबल, क्या दिखेगा, रिपोर्ट ऑल आइटम लेबल, कर दीजिए, रिपीट हो गया। और क्लियर करना है तो मैं चाहता हूँ एशिया और यूरोप के बीच में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए, तो आप इससे इंसर्ट ब्लैंक रो भी कर सकते हैं, ये आप एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर देगा। ठीक बात, आपको नहीं चाहना है नॉर्मल करना है सारा तो रिमूव कर दीजिए, रिपीट भी नहीं करना है, डू नॉट रिपीट। मुझे इसको मर्ज करना है ताकि बीच में आके दिखे ना, नॉर्मल मर्ज आप नहीं देख कर सकते यहां से,
ओके मर्ज भी आपको पिवट टेबल से ही करना पड़ेगा। राइट क्लिक, यहां पे आइए पिवट टेबल ऑप्शन, और यहां आप मर्ज एंड सेंटर लेवल कर दीजिए, आपका आ गया सर। आ गया, अब रिपोर्ट अच्छा दिख रहा है। हम्म, अब यहां पे एक चीज और भी है, अब एशिया पैसिफिक में फाइनेंस का 352 क्वांटिटी सेल हुई। हम्म, मुझे इस पे डाउट है, ये देखना कि किस क्या क्या इसका डेटा क्या है। अच्छा, तो आपको यहाँ डेटा में जाके फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है सर। हम्म, आप इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, एक नई सीट में एशिया पैसिफिक का फाइनेंस का डेटा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हम्म, ठीक है। तो इसमें जो 352 दिख रहा था वो क्या चीज थी उसमें? इसका टोटल था, इसका क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्वांटिटी को क्लिक किया था तो फिर वो यहाँ पे तो सर समरी दिखा रहा है ना, ये बता रहा है कि स्पेसिफिक में फाइनेंस के टोटल 352 क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक है, ₹220 इस पे है, ₹220 के हिसाब से। ठीक बात, समझ गए? समझ गया। इसका डेटा देखना है कि 352 जो हुआ है किस किस डेटा से हुआ है, तो आप यहां से देख सकते हैं ना। मैं समझ गया आपकी बात। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज है कि जो डेटा दिख रहा है आपको ओवरऑल दिख रहा है, अब मुझे ये पता करना है कि ईयर वाइज देखना है मुझे कि किस ईयर का कितना सेल है। अगर मैं ईयर हमारा जो यहाँ पर ईयर है, ईयर को उठा के अगर मैं यहाँ नीचे इसमें रख दिया तो रिपोर्ट थोड़ा सा लंबी हो जा रहा है। अब यहाँ पे मेरा ये फिक्स नहीं है कि ईयर वाइज चाहिए ही चाहिए, तो रिपोर्ट देख रहा है या मेरा मूड होगा तो मैं ईयर वाइज देखूंगा। ठीक बात, तो इस ईयर वाले सेक्शन को उठाया और इसके ऊपर रख दिया, तो यहां फिल्टर आ गया, यहां से आप क्लिक कीजिए 2003 और आपको दे दिया। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, इसमें अगर ये देखना हो, हेलो, हाँ सुनना बताइए। 2003 2004 में हमें खाली फाइनेंस का देखना हो, ऐसे कंपैरेटिव देखना हो, 3 4 5 6 7 8 में फाइनेंस, तो इसमें देखिए ना क्या है कि 2003 का मान लीजिए, 2003 और 2004, तो यहाँ नीचे मल्टीपल सिलेक्शन आइटम सेलेक्ट कीजिएगा और 2004 को सिलेक्ट करके ओके कीजिएगा। यहाँ पे 2003 और 4 का डेटा है और मुझे फाइनेंस का चाहिए, 13 फाइनेंस का डेटा। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें ये भी देखना है कि 2003-4 के क्वार्टर वन में कितना है, तो मैं यहाँ एक और फिल्टर नीचे रख सकता हूँ और यहाँ मैं क्वार्टर वन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक बात, ओके सर। अब यहाँ पे एक चीज और भी है सर, ये थोड़ा सा इसकी ये जो फिल्टर अभी मैंने लगाया इसको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना पड़ रहा है ना। आपके पास 2013-16 का वर्जन एक्सेल है तो इसी में आप स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। स्लाइसर हमें किस किस फिल्टर चाहिए, तो हमें चाहिए ईयर का एंड क्वार्टर का, समझे? ये इस तरह से बन के आ जाएगा आपके सामने, तो इससे होगा कि आप इजीली इस पे क्लिक कीजिएगा और देख लीजिएगा। क्या सर? ठीक बात है, इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए। अब एक से ज्यादा करना है तो क्लिक करते हुए नीचे का तरफ सेलेक्ट कर लीजिए, एक से ज्यादा आ जाएगा। अब ये क्वार्टर वन का और ये 2005-6-7 का दिखा रहा है। जी हाँ। अच्छा, इसमें ऐसे कैसे पता चले 2005 कौन सा है, 6 कौन सा है? वो देखिए, वो सेग्रीगेट यहाँ नहीं किया गया ना, सेग्रीगेट अच्छा। आपको यहाँ से ईयर को इसके साइड में रखना पड़ेगा, फिर ना आपको सर यहाँ रखना पड़ेगा। तो जाता है 2005 का है, 6 का है, ठीक बात। लेकिन इससे क्या हुआ कि डेटा बड़ा हो जाएगा ना, तो बड़ा ना करना। और दूसरी चीज है कि ये देखना कंपल्सरी नहीं है, मतलब कि हमें जरूरी नहीं है, शायद जरूरी पड़ जाए, ये मेरे अपने ऊपर है। तो उस केस में हम ईयर को स्लाइसर में या फिल्टर में डाल देंगे, वो यूजर के ऊपर जो रिपोर्ट देख रहा है या जो आप ही देख रहे हैं,
आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर फिट पड़ता है, मुझे जरूरी है तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक बात, क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें एक चीज और है कि कैलकुलेशन, हम यहां पे कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहां हमारे डेटा में क्वांटिटी है एंड एमआरपी है, अमाउंट नहीं है। मुझे पता करना है कि अमाउंट कितना गया, तो हमें एक नया कॉलम ऐड करना होगा, हमें यहां नया कॉलम इंसर्ट करना होगा, ठीक है? और यहां पे हम अमाउंट डालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एमआरपी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और फिर नीचे के तरफ हम ड्रैग कर दिए। ठीक बात, लेकिन मैं एक डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए हर महीने आपको एक डेटा आता है, अब एक के नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर आपने छेड़छाड़ किया तो जो डेटा आएगा उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी ना, तो फिर कॉपी पेस्ट करने में आपको दिक्कत हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि पिवट के अंदर ही कैलकुलेशन हो, तो कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहले हम पिवट टेबल लगाते हैं और यहां हम रखते हैं अपना रीजन, रीजन रख दिया। हाँ जी, मुझे यहां पे चाहिए टोटल, तो लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी और एमआरपी, तो क्योंकि यहां हम डेटा में ना करना चाहते, तो हमने पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करते आपके साथ नया टैब ऐड हो गया ना, यहाँ वैल्यू फिल सेटिंग, इसी में आप देखेंगे फिल आइटम सेट, उसमें आपको दिखेगा कैलकुलेटेड फील्ड, क्योंकि हम फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना सर। इस कैलकुलेटेड फील्ड पे हम क्लिक करेंगे, अब यहां पे हम करेंगे टोटल और यहां हम देंगे एमआरपी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे। ये आ गया टोटल सर, आ गया। तो हमें डेटा में कुछ छेड़छाड़ ना करना पड़ा, हम ये कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप क्या होगा। जैसे आपने पिवट टेबल आप लगा रहे हो और लगाने के बाद मान लीजिए कि मैंने इंडस्ट्री लिया और मैंने मान लीजिए क्वांटिटी का टोटल दिया, ओके? इसमें हमारा ये आपका हेल्थ केयर है, इंडस्ट्री गुड्स है, मटेरियल है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है। अब क्या है कि मेरा सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग मैंने कर रखा है, लेकिन ये एक ही डिपार्टमेंट है, समझे? एक कंबाइंड डिपार्टमेंट है, पर जहां से डेटा आ रहा है डेटा ने अलग अलग कर रखा है, लेकिन जो डील इस डिपार्टमेंट को डील करने वाला जो एचओडी है वो एक ही बंदा है, समझे सर? ठीक बात। तो यहाँ अलग अलग होने से दिक्कत क्या होता है कि हमें मैनुअली इसको सम करके देखना पड़ता है कि इन दोनों टीम का टोटल कितना सेल हुआ। तो हम चाहते हैं कि पिवट में ही टोटल होके आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे, ले जाएंगे, ग्रुप कर दिया। तो जैसे आप ग्रुप करेंगे ना, यहाँ पे वो फिल रिपीट हो जाएगी, जैसे कि किसी रीजन को तो रीजन दो बार हो जाएगा, हमने नर्सरी किया तो नर्सरी दो बार हो गया, तो इसमें टू लगा होगा ना उसको रहने दीजिएगा, जिसमें नहीं लगा हो उसमें नर्सरी है उसको यहां से आप रिमूव कर दीजिए। अब यहां आपका टोटल आ गया पर नेम जो है ग्रुप वन है। अब यहां पे ग्रुप वन को आप अपने हिसाब से दे दीजिए, हमने यहां पे लिख दिया सर, यहां पे सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है सर? ठीक है।
तो ये पिवट टेबल, ये भी वही सीन हो गया, डेटा को बगैर छेड़े जो है आप अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं। जी हाँ जी। तो पिवट टेबल का पहला काम होता है समरी निकालना, क्योंकि आप उसकी समरी निकालना चाहते हैं। ठीक बात। क्योंकि आपके पास जो रॉ डेटा आएगा वो तो पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आएगा ना। हाँ हाँ। जैसे आप अपने बैंक आप अपने इसमें ही है, ऑफिस में ही है, तो आपके पास एंट्री हो रही है, कैश कितना, कैश का क्या सेल्स है, एक एक प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है कैश में जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, चेक में जा रहा है, एक्सचेंज में जा रहा है, सबकी एंट्री है। महीने के लास्ट में आप ये देखना चाहोगे कि मैंने कैश में कितना सेल किया, क्रेडिट कितना गया, एक्सचेंज कितना हुआ, तो इसका टोटल लमसम अमाउंट टोटल चाहिए होगा ना आपको, एग्जैक्ट फिगर। हाँ जी हाँ जी। अब आपको प्रोडक्शन मान लीजिए कि पिछले साल का प्रोडक्शन पता है कि मंथ वाइज हमारा पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ है, आसपास आप इस साल का सोचेंगे ना जी। अब हो सकता है पिछले साल का बिजनेस मंदा हो, तो आप क्या करेंगे पिछले आठ सालों का, दस सालों का क्या करेंगे, मंथली मंथली आप निकाल लेंगे अपना ए, फिर कंपेयरिंग करके उसका ए निकालेंगे भाई कितना एवरेज बन रहा है। ठीक बात है। उस हिसाब से करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे ना, इसके लिए तो आपको पिवट टेबल की जरूरत पड़ेगी। मैं समझ गया। ठीक है ना। अब इसको बेटर समझने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, और ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही जरूरी चीज है सुरेंद्र जी, राइट सर। चलिए ठीक है, तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट या कुछ भी आता है तो मुझे आप कीजिएगा, हम आपको उस चीज को दोबारा रिपीट कर देंगे। चलो ठीक है। ओके ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके ओके, बाय।